हेलीकॉप्टर में पुलिस की मुख्तलिफ वाकियात में फ्राइज की एहसन इंजामदेही जारी। दौरान सफर खानदान से बिछड़ जाने वाली दो बच्चियों को घर वालों से मिला दिया। मुजफ्फराबाद से मुल्तान सफर करते हुए 3 साला अरफा को उसके खानदान वाले कल्लर कहार सर्विस एरिया में भूल गए थे। मोटरवे पुलिस ने जब सहमी हुई बच्ची को देखा तो हिफाजती तहवील में लेते हुए वालदेन की तलाश शुरू कर दी। बच्ची किस किस्म की मालूमात देने से कासिर थी। चंद घंटों बाद वालदेन के राब्ता करने पर बच्ची को बाहिफाजत वालदेन के हवाले कर दिया गया। इसी तरह मरीज से वापसी पर 15 साल बच्ची के खानदान वाले बच्ची को हकला सर्विस एरिया में भूल गए। मोटरवे पुलिस की टीम ने परेशान हाल बच्ची से मालूमात लेनी चाहिए तो बच्ची परेशानी के आलम में खातर ख्वाह मालूमात फराहम ना कर सकी। जिस बच्ची को हफासी तहवील में लेते हुए उसके वालदेन की तलाश शुरू कर दी गई और लोकल पुलिस को भी इत्तला दे दी गई। इसी तरह एक और वाकये के दौरान 15 साल बच्ची अपने खानदान के हमरा मरीज से वापसी पर हकला सर्विस एरिया में बिछड़ गई। मोटरवे पुलिस ने परेशान हाल बच्ची से जब इसके खानदान वालों के बारे में मालूमात लेनी चाहिए तो बच्ची खातर खा मालूमात फराहम ना कर सकी, जिस पर उसे हिफाजती तहवील में लेते हुए उसके खानदान की तलाश शुरू कर दी गई। लोकल पुलिस को भी इत्तला दी गई। मुसलसल कोशिशों के बाद बच्ची के रिश्तेदार से राब्ता होने पर उसे इत्तला दी गई, जिस पर बच्ची के खानदान वालों ने सियाल मोटरवे से वापस आए और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बच्ची को बहाफाजत उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। दोनों खानदानों ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, मोटरवे जोन।